हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेलिस किचन। इस मकर संक्रांति के अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीठा की एक न्यू रेसिपी, एकदम यूनिक गाजर की पाटी सप्ता पीठा। पाटी सप्ता पीठा तो आपने कई तरीकों से बनाए खाए होंगे, पर मैं गारंटी के साथ ही हूँ इस तरीके से आपने कभी नहीं खाए होंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा और आपके इस मकर संक्रांति को बहुत खास बना देगा। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गाजर के पाटी सप्ता बनाने के लिए उसके स्टफिंग तैयार करूंगी। इसके लिए मैं गाजर को काट कर कुकर में डाल दी हूँ, साथ में मैं इसमें दूध भी डाल दी हूँ, लगभग एक पाव जैसे। अब मैं कुकर बंद करके मैं इसे गैस पर चढ़ा दूंगी और 3 सीटी आने के बाद मैं उतार ली हूँ। और देखिए, मैं दूध और गाजर को एकदम एक साथ मैश कर ली हूँ, एकदम दूध सूख गया है। मैं अभी इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल दे रही हूँ और शक्कर के साथ गाजर दूध को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, शक्कर में से पानी भी छोड़ने लगा है, शक्कर मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से एकदम सूखा कर इसे पका लूंगी, एकदम गाढ़ा गाढ़ा पका लूंगी। अब मैं पहले से ही, देखिए अभी भी इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहा है, शक्कर का पानी निकला है। अब मैं इसमें काजू किशमिश और बादाम को मैं जो पहले से घी में फ्राई करके रखी थी, हल्का फ्राई करके रखी थी, उसे मैं डाल दी हूँ और इसे भी मैं इसे मिक्स कर लूंगी। और साथ में मैं 3 हरी इलायची को कूट कर रखी, उसको भी मैं साथ में डाल दी हूँ और इन सब को मैं एक साथ अच्छे से अब मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच घी डाल दी हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अभी भी इसमें पानी है, इसको देखिए। अब मेरा पूरा हो गया है, स्टफिंग रेडी हो गया है, मैं निकाल ली हूँ। अब मैं पीठा बनाने के लिए इसका घोल तैयार कर ली हूँ। मैं चावल के आटा में गर्म पानी को पहले से उबाल कर रखी थी, उसको पानी के साथ मैं एक घोल बना ली हूँ। अब मैं फ्राई पैन में इसे डाल दे रही हूँ। फ्राई पैन के ऊपर मैं पहले थोड़ा सा तेल लगा ली हूँ और उसके ऊपर मैं 1 चम्मच चावल का घोल जो बनाई हूँ उसे मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसे ढक दूंगी। 1-2 मिनट हो गया है, मैं इसे खोल दी हूँ। अब देखिए, इसके साइड साइड से हो गया है, कलर देखने से पता चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर जो गाजर का स्टफिंग बनाई हूँ उसे डाल दी हूँ। अब मैं 1 चम्मच के सहायता से और अपने हाथों की सहायता से इसे धीरे धीरे फोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करके देखिए, मैंने यहाँ पे इसे पाटी सप्ता का शेप दे दिया। देखिए, बन गया, फाइनली मेरा फर्स्ट वाला पाटी सप्ता बन गया। अब मैं इसे दोनों तरह से अच्छे से पका लूंगी। देखिए, हो गया है, मस्त लाल लाल कलर आया है। अब मैं इसे उतार लूंगी। इसी तरह से मैं दूसरा वाला पाटी सप्ता का घोल मैं फ्राई पैन में डाल दी हूँ। अब मैं इसे भी ढक दूंगी 1-2 मिनट के लिए। एक दो मिनट हो गया है, मैं ढक्कन खोल दी हूँ। ठीक उसी प्रोसेस में ही मैं इसके ऊपर फिर से गाजर का जो स्टफिंग बना के रखी हूँ उसे मैं डाल दे रही हूँ और इसे भी मैं चम्मच की सहायता से धीरे धीरे फोल्ड करूंगी। ये देखिए, चम्मच और उंगली की सहायता से मैं इसे धीरे धीरे फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, मेरा फोल्ड करना हो गया और इसे भी मैं पाटी सप्ता का शेप देके इसे उतार ली। मेरे सेकंड वाला पाटी सप्ता भी बन गया। इस तरह से मैं पूरे पाटी सप्ता को बना ली हूँ। अब लास्ट मेरा एक पाटी सप्ता बचा है, मैं उसे भी अब बना लूंगी। उसका खोल भी मैं
फ्राई पैन के ऊपर डाल दी हूँ और इसे भी मैं अब ढक दूंगी एक दो मिनट के लिए। एक दो मिनट हो गया है, मैं खोल के इसके ऊपर फिर से गाजर का जो स्टफिंग बना के रखी हूँ उसे डाल दे रही हूँ। अब मैं इसे भी चम्मच की सहायता से और अपने उंगलियों की सहायता से इसे दबा के इसे भी रोल कर रही हूँ। देखिए इसका भी रोल बन गया है। फाइनली मैंने इसका पाटीसप्ता का शेप इसे भी दे दिया है। ये मेरा लास्ट वाला पाटीसप्ता ये भी बन गया है। देखिए मैं इसे दबा दबा के इसके दोनों तरफ से इसे फ्राई कर रही हूँ। अब हो गया है, देखिए अब मैं इसे उतार लूंगी। फाइनली मेरा पूरा पाटीसप्ता बन गया है, देखिए। दोस्तों फाइनली हमारी एकदम अलग तरह की पाटीसप्ता बनकर रेडी है। ये अलग इसलिए है क्योंकि सब कोई पाटीसप्ता जो बनाते हैं इसके बीच में स्टफिंग डालते हैं, कोई डालते हैं नारियल गुड़ का तो कोई डालते हैं मावा का, पर मैंने इसमें गाजर का डाली हूँ और ये एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए इसके अंदर, देखिए मैंने पूरा स्टफिंग गाजर का डाली हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा, एकदम अलग तरीके के। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और साइड में लगा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप लोग मुझे कमेंट में अपना अनुभव भी शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों की कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और न्यू रेसिपी बनाने के लिए। इस तरह के अलग अलग यूनिक तरह के रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए मुझे और भी मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग मुझे ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और कमेंट भी जरूर कीजिए और लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू।